नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख से लगभग 10,000 लोग इस महीने चीन की सीमा तक मार्च करेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी जमीन पड़ोसी देश को खो दी है। वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें चरवाहों से पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वो पहले हमेशा जाते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उनसे कई किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। हम वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि जमीन गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपना मार्च जिन दो तारीखों पर निकालेंगे वो हैं 27 मार्च और 7 अप्रैल। बता दें, वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से लेह में शून्य से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनका 15वां दिन है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए हैं। इस बीच मंगलवार को सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। अखिलेश यादव की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ये दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी का बीजेपी टिकट काट सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वरुण गांधी को मैदान में उतार सकती है। वहीं मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस से बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी दोनों के मुद्दे पर संकेत दिए कि अगर बीजेपी वरुण गांधी और संगमित्रा का टिकट काटती है तो उनका संगठन इस पर फैसला लेगा। चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी कुशीनगर की सीट दे सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते कर दिया था, लेकिन इसका आगाज आज बुधवार से हो गया है। इस बार का आम चुनाव 7 चरणों में होने वाला है, जिसके पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। ईडी के लगातार भेजे जा रहे समन के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए। हालांकि केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ईडी के समन पर अब तक पेश ना होने पर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि पहले आप देश के नागरिक हैं, पेश होंगे तो पता चलेगा ईडी क्या कहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन उनके नाम पर है, उनको पेश होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी कहे कि गिरफ्तार नहीं करेंगे या कोर्ट गिरफ्तार ना करने का आदेश दे तो पेश होंगे। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की अटकलें बीते करीब 2 सप्ताह से चल रही हैं। इस बीच खबर आ रही है कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अभी दोनों दलों के बीच अंदरखाने सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। अगर दोनों के बीच सहमति बन जाती है तब बुधवार 20 मार्च को ही गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ओडिशा में भाजपा और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल के बीच गठबंधन की चर्चा मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी वीके पांडियन की टिप्पणियों के बाद तेज हो गई। अपने बयान में उन्होंने संकेत दिया है कि दोनों दलों का गठबंधन हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मौजूदा सरकार में पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मामलों के केंद्रीय मंत्री थे। उनके मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को दी गई है। पशुपति पारस ने मंगलवार को ये कहते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उनका इस्तीफा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ठीक एक दिन बाद आया। बिहार में एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद विपक्ष में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। पप्पू यादव लंबे समय से सीमांचल में महागठबंधन के साथ समझौते की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट पर वो महागठबंधन का समर्थन चाहते हैं। बिहार में ये सियासी चर्चा भी है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन फिलहाल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। वो कोसी सीमांचल इलाके की सुपौल सीट से सांसद भी रह चुके हैं। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीट फाइनल कर ली है। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 पार है।
एनडीए में उन्हें 5 सीटें दी गई हैं। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा ये तय नहीं हुआ है। इस पर कहा कि वो 4-5 दिन में घोषणा कर देंगे। इतना ही नहीं बल्कि चिराग ने ये भी कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वो खुद उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी को यह झटका झारखंड में लगा है। झारखंड की मांडू सीट से बीजेपी विधायक जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। एनसीपी में फूट मामले में चुनाव आयोग के फैसले के आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। दल बदलने वाले गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता देने की मौजूदा प्रवृत्ति की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की और इसे मतदाताओं के अंतरात्मा का मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से जुड़े मामले में शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शरद पवार ने चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा केवल विधायी बहुमत के परीक्षण के आधार पर अजीत पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाया। कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि इस नजरिए से दल बदल को प्रोत्साहन मिल सकता है। कैश के बदले सवाल मामले में मंगलवार को लोकपाल ने कहा कि टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज करे और उन पर लगे आरोपों की जाँच करे। लोकपाल ने एक आदेश जारी करते हुए सीबीआई से कहा कि वो जांच पूरी कर 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत हैं, खासकर उनके पद को देखते हुए बेहद गंभीर हैं। इसलिए हमारी राय में सच को साबित करने के लिए इस मामले की गहन जाँच जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या के बाद हुए कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद से इलाके में तनाव है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस पुलिस के हवाले से लिखता है कि साजिद नाम के स्थानीय नाई ने 2 नाबालिग भाइयों आयुष और हनी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। आयुष की उम्र 13 साल थी और हनी की 6 साल। इस घटना के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने एक कथित एनकाउंटर में साजिद को मार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अखबार से कहा कि साजिद ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 बच्चों में से 2 की गला काटकर हत्या कर दी गई। बचे हुए बच्चे ने वारदात की कहानी बताई है। बच्चे ने बताया कि वारदात के समय 2 आरोपी साजिद और जावेद मौजूद थे। उसने बताया कि साजिद ने पहले बड़े भाई से चाय मंगवाई थी और फिर छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। बच्ची ने बताया कि जब मैं ऊपर गया तो जब बड़ा भाई चाय लेकर आया तो उसको मार दिया और फिर छोटा आया तो उसे भी मार दिया। मेरा छोटा वाला भाई चीखा तब मैं ऊपर गया था, उसने मुझे देखा तो मुझे भी मारने की कोशिश की। साजिद ने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने चाकू मार दिया, जिसमें मुझे चोट लग गई। फिर मैं धक्का देकर नीचे भागा। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR में लिखा, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता है और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें आईं। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा, आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।